अल्लाम आप देख रहे हैं आई एस क्यू सिपतनी नैटवर्क महम्मद इश्तिया अहमद के साथ उम्मीद है कि तमाम हजरात खैरियत से होंगे हाँ अपना ख्याल रखिए खुश रहिए मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक वाली आपको सही सलामत रखे सेहतमंद रखे और आराम सुकून के साथ आप ज़िंदगी गुजारते रहें अच्छा एक मशहूर दवा है हमदर्द और तिब यूनानी की जवारिश जाली ये है देखिए जबारिश तो अब देखना यह है कि अक्सर अतबा इसको लिखते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है जवारिश जाली न्यूज़ का मिजाज़ कानून मफरदाजा के मुताबिक क्या है ये बात अक्सर परेशान कन हुआ करती है और लोग तलाश करते हैं कि इसका मिजाज़ क़ानून उफरदाजा के मुताबिक मिल जाए अलहमदिल्ला ये जितनी भी मरकबात हैं इस टाइप की अद्वियात कानून वफरदाजा में डिवाइस करके हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है इन शर वीडियो में एक ए, कोई भी मरक्ब तिब्ब यूनानी का कानून मुफरदादा के मिजाज के मुताबिक जो तिब्बा कराम ने सेट किया है वो इन शाला पेश किया जाएगा आज जो हम लेकर आए हैं वो है जवारिश जली नूस जवारिश जाली नूस का मिजाज क्या है इसके फवाद क्या हैं ये आम लोगों के लिए भी ए, मैं इसकी तारीफ़ और ख़ास बयान करता हूँ ताकि अक्सर लोग परेशान हुआ करते हैं अब अगर मरीज़ को अपने परेशानियाँ मालूम हैं तो तबीब के सामने जाता है तबीब इस चीज़ से लाइल है कि हमें क्या चीज़ देना चाहिए अक्सर लोग मिजाज में परेशान होते हैं कि तिब यूनानी की अद्वियात का कानून फ्रदा के मुताबिक मिजाज इसका क्या हो सकता है तो उनके लिए ये बहुत कामयाब वीडियो बनने वाली है उनके लिए इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है अब जवारिश जाली नूस के फ़वाद क्या हैं बनाने के तरीके कंपनियों में अक्सर कंपनीों की बनी बनाई मिल जाती हैं और जो लोग इनको बनाते हैं वो बखूबी जानते हैं तो मैं अब उसके फवाद पेश करता हूँ मकदार खुराक है इसकी सात माशा जवारिश जाली नूस की हमरा आब ताज़ा मतलब ताज़ा पानी के साथ में सात ग्राम जवारिश ताज़ा पानी के साथ में ए, अगर भूख ना लग रही हो तो खाने से पहले और अगर खाना ना हज़म हो रहा हो तो खाने के बाद इस्तेमाल करें मतलब भूख नहीं लगती हो तो खाने से पहले लें और अगर खाने के बाद में खाना हजम नहीं हो पाता है तो ये खाने के बाद लें दस पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा बाद फ़वाद में यह है कि ये मैदे के अमराज़ के लिए अली तरीन फ़वाद का हामिल नुस्खा है सदियों के इस्तेमाल ने इसकी अहमियत बहुत मस्त कर दी है यानी सदियों के इस्तेमाल ने इसकी अहमियत को चार चांद लगा दिए हैं और पूरे तरीके से समझा दिया है कि हाँ ये दवा एकदम बेहतरीन और परफेक्ट है इससे निज़ाम हज़म यानी कि पाचन क्रिया हज़म की ताकत इंसान के जो हज़म करने की ताकत हुआ करती है क़त हाजिमा वो उसको ताकतवर करता है और ताकत देता है हज़म करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है मदद देता है उन पुरज़ों को ताकतवर बनाता है निज़ाम हज़म दुरुस्त हो जाता है भूख बढ़ जाती है री खारिज हो जाती है यानी कि जो गैस हुआ करती है पेट के अंदर और पेट में रुकी रहती है उससे वो खारिज हो जाया करती है री ही दर्दों को सुकून मिलता है यानी कि गैस से अक्सर दर्द हुआ करते हैं कभी कहीं दर्द हो रहा है कभी कहीं दर्द हो रहा है इस तरीके से दर्द देखे गए हैं किसी के सर में दर्द है तो समझ में नहीं आता है गैस से हो रहा है हाथ में दर्द है पैरों में दर्द है पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द है अक्सर गैस से ऐसे हुआ जा हुआ जाया करते हैं रीह के दर्द सुकून मिलता है बादी वबासिर दूर हो जाती है ये बहुत कटरा मसला है कि जो बादी वबासिर होती है इसको जल्दी कंट्रोल नहीं किया जाता है और बहुत मुश्किल कन बहुत परेशान कन मरहल होते हैं बहुत सारे मरीज़ ऐसे मिलते हैं जो देखते हैं जो बताते हैं कि हमारे बबासिर है ठीक नहीं हो रही है वहाँ से दवा खाई वहाँ से दवा खाई बहुत सारी दवाइयाँ खा ली लेकिन हम ठीक ना हो पा रहे हैं ऐसे ही शिकायतें मिलती हैं तो परहेज़ के साथ मैं अभी बताऊंगा कि कानून अफरदा का मिजाज इसका क्या है और आप इलाज कैसे करेंगे अपना इलाज किसी भी अच्छे तबीब से डॉक्टर मोहम्मद जैद साहब संभली अली एम एस उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में है और पेशकश भी उन्हीं की है आप रबा कर सकते हैं नीचे नंबर मिल जाएगा आपको किसी को इस तरीके की इस टाइप की परेशानी है तो फिर वो झक रब्ता कर सकता है और अपनी तशखीस करा सकता है कि आपका मिजाज क्या है यह था बादी वबासिर दूर हो जाती है तब से पैदा होने वाला दर्द दूर हो जाता है तब खीर यानी गैसे उठने से जो दर्द पैदा होता है कभी सर में हुआ करता है कभी सीने में हुआ करता है ये दूर हो जाता है मूँ की बदबू इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है दर्द कमर ख़त्म हो जाता है कुत बाह मजबूत हो जाती है यानी मर्दानगी की ताकत अक्सर मर्दानगी की ताकत के लिए ही लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उनको मालूम ही नहीं है कि और और क्या क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं लेकिन मैंने जितने फ़ायदे गिनाए हैं ये सारे इसमें मिला करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पेशाब की ज़्यादती जोफे मसाना में ये दवा बहुत मुफीद है बलगमी कैफियत को जिस्म से ख़त्म करती है जिस्मानी कमज़ोरी और सुस्ती इसके इस्तेमाल से जायल हो जाती है बालों को कबल अज़ वक्त यानी वक्त से पहले जो बीस पच्चीस साल के बच्चों के ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनको सफ़ेद होने से रोकती है अगर बाल कबल अज वक्त सफ़ेद हो जाएँ उनको दोबारा सियाह करती है गुर्दों को मजबूत करती है तेजाबियत की वजह से अगर गुर्दे फ़ेल हो जाएँ तो उनको दुरुस्त कर देती है सलाबत जिगर के लिए ये दवा मुफीद है तिल्ली के बढ़ जाने में इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदा करता है इसका मिजाज गुद्दी उज़लाती है इसका मिजाज चार नंबर है तो आसाबी जो भी परेशानियाँ हुआ करती हैं आसाबी उज़लाती में उज़लातीसाबी में जो भी परेशानियाँ होती हैं जैसे भी रतुबात की ज़्यादती होती है या खुश की सर्दी हुआ करती है या नजला ज़ुकाम खांसी हो हुआ, हुआ करता है इससे बुखार भी हो जाया करता है मोशन और दस्त हो जाया करते हैं तो अक्सर अतबा कानून उफरत के मुताबिक चार नंबर की दवाइयाँ दिया करते हैं और ये फ़ौन रिलीफ हो जाया करता है इससे बहुत आराम मिला करता है इससे जवारिश जाल भी इन्हीं में से एक ऐसा मरकब है कि मुकम्मल जाम और शाफी इलाज हुआ करता है तो जवारिश जालि मुझे उम्मीद है कि कानून उफरतदा के जो अतबा हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा फार्मूला है जवारिश जारी नू से वो बहुत बड़े बड़े काम ले सकते हैं बहुत पेचीदा अमराज से अमराज का इससे इलाज कर सकते हैं इन शाला मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी इसी तरीके से और क़ानून मफरदाज़ा के मुताबिक तब यूनानी के मरकबात को डिवाइस करते हुए हम वीडियो ला रहे हैं आप इसमें पूरा ध्यान देंगे तो इन इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है बस गुजारिश यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और आने वाली इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे और वेल आइकन घंटी के बटन को दबा दें लाइक कर दें अपने और अतब्बा साथियों के साथ इसको शेयर भी कर दें ताकि ये आने वाले वक्त में वक्त आपको भी मिलती रहे और उनको भी इसका फ़ायदा पहुँचता रहे असलम वरह लबरक खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ